क्वेश्चन नंबर 20 चल रहा था अपना, और हम इसमें निकाल रहे थे ए बी। ए बी का मतलब ए आव्यूह था अपने पास में 2, 1, -1, 2, और बी आव्यूह 1, 4, -1, 1। दोनों का गुणा कर लेते हैं, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 2 एकम 2 और 1 एकम -1, यानी कि प्लस का 2 और माइनस का 1, जिसका मतलब प्लस का 1। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 2 चौक 8 और 1 एकम 1, 8 और 1 9। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, -1 और -2, इसका मतलब -3। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, -4 और +2, तो -2। अब हम इसका निकाल ले लेते हैं LHS। LHS है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और हमने वैल्यू निकाल रखी है a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो ये रहा बेटा, ये रहा a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना है, 1 -6, 0, 1, यानी कि 1 -6, 0, 1। अब हम इसका RHS ले लेते हैं। RHS में है ए स्क्वायर माइनस 2AB प्लस बी स्क्वायर, इनकी ए स्क्वायर माइनस 2AB और बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की वैल्यू ये रही, देखिए ये रहा ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर की वैल्यू है 3, 4, -4, 3 -2। ए आव्यूह ये रहा 2, 1, -1, 2, तो 2, 1, -1, 2। बी आव्यूह ये रहा अपने पास में 1, 4, -1, 1 प्लस में बी स्क्वायर, देखो ये रहा बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर है अपने पास में -3, 8, -2, -3। अब यहाँ देखते हैं, ये तो है 3, 4, -4, 3, -2। ये ए बी है और ए बी मैंने निकाल रखा है, देखो ये दोनों का गुणनफल निकाल रखा, और दोनों का गुणनफल निकालते तो कितना आता है 1, 9, -3, -2 और प्लस में बी स्क्वायर -3, 8, -2, -3। ये तो है 3, 4, -4, 3। इस दो को अंदर गुणा करेंगे तो 2, 18, -6, -4 और प्लस में -3, 8, -2, -3। पहले इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं, या फिर डायरेक्ट इसका आंसर ही निकाल देते हैं। भाई 3 में से 2 गया 1 बचा और फिर -3, यानी कि -3 + 3 कैंसिल आउट, तो क्या बच गए -2। ये -18 हैं और प्लस के हैं 8 और 4 12, तो बच गए -6। ये माइनस माइनस प्लस के तो 6 हो गए, और ये है -का प्लस के भी 6, माइनस के भी 6, ये हो गया 0। ये देखते हैं प्लस के तो हैं 3 और ये 4 7, और माइनस के हैं 3, और 7 में से 3 गए तो कितने बच गए 4। और ये देखिए अपना RHS निकल गया है, ये है LHS। क्या LHS और RHS इक्वल है? नहीं है, इसका मतलब LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, hence proved।